आज है ट्रैक्सस समिट की पार्ट टू वाली वीडियो। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि इसकी पार्ट टू वाली वीडियो जल्दी लाने के लिए। देखो गाइस, आज बहुत ही कमाल होने वाला है क्योंकि इसकी नई वाली बैटरीज भी मेरे पास आ चुकी है। और ये कार के अंदर है JLB चीता की स्पीड, एक्स मैक्स की पावर, डिफेंडर जैसी ऑफ रोडिंग भी कर सकती है ये कार। चलो एक बार इसके बैटरीज मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बैटरीज काफी ज्यादा महंगे मिलते हैं। तो ये पिंस मैं हटा देता हूँ फटाफट तरीके से। ये हट चुका है इसका केज और यहाँ से निकालते हैं बैटरी। ये रही गाइस इसकी बैटरी, ये देख लो। ऑबी सेंट्रल से मैंने मंगवाई है, 5200 mAh की बैटरी है, 7.4 वोल्ट पे ये काम करती है। इस तरीके की इधर एक बैटरी आती है और इस तरफ भी एक बैटरी डालनी पड़ती है। यहाँ पे भी मैंने बैटरी लगा रखी है, तो ये देख लो। तो भी फटाफट से इसको कनेक्ट कर देते हैं और बैटरीज को मैंने अंदर डाल भी दिया है। आज मैं एक और बार आपको बताने वाला हूँ कि इसके साथ मैं किसकी किसकी फाइट कराने वाला हूँ। मेरे पास है ट्रैक्सस स्लैश, को पता होगा इस ये कार कितना ज्यादा स्टेबल चल सकती है। और ये शॉर्ट कोर्स कैटेगरी की कार है, ये एक हाइब्रिड कैटेगरी की कार है, ये कंप्लीट ऑफ रोड RC कार है। आपको पता होगा गाइस ये थार कितनी ज्यादा पावरफुल, कितनी कमाल की ऑफ रोडिंग कर सकती है। साथ में एक और ऑफ रोडर भी है मेरे पास। ये कार देखो गाइस कितनी ज्यादा बड़े साइज की है। ये है टोयोटा लैंड क्रूजर क्लासिक मॉडल। दोनों ही कार्स काफी ज्यादा कमाल की है। आज देखते हैं गाइस क्या ये दोनों कार्स मिलकर इसको हरा पाएगी या फिर नहीं। और इन दोनों के बीच में भी मैं रेस कराने वाला हूं, देखते हैं रेस में दोनों में से आज कौन जीतता है। चलो गाइस फटाफट से कराते हैं अब इनके बीच में फाइट, देखते हैं ये कार कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसको मैं ऑफ रोड में चलाने वाला हूँ। अरे बाप रे, इसकी स्पीड देखो यार कितनी ज्यादा दी गई है। अब हाई स्पीड में ब्रेक लगाते हैं, ये देखो जगह पे आके रुक चुकी है कार पूरी तरीके से। मेरे को एक चीज ये कार के अंदर समझ नहीं आ रही कि ये इतना ज्यादा मिट्टी क्यों उड़ा रही है। मैंने तो आज तक एक्स मैक्स को भी बहुत बार चलाया ऑफ रोड में, पर एक्स मैक्स भी इतनी ज्यादा मिट्टी नहीं उड़ाती है बिल्कुल भी। अब इसकी कंट्रोलिंग देखते हैं, देख रहे हो मेरे सामने से किस तरीके से निकल चुकी है। कंट्रोलिंग काफी ज्यादा गजब की है, ड्रिफ्ट भी बहुत ही मस्त तरीके से ये कार कर रही है। ये कार चलाने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ तक कि ये कार देखो 360 डिग्री भी रिवर्स मोड में घूम सकती है। इस तरह की कार मैंने आज तक बिल्कुल भी नहीं देखी है। एकदम लाजवाब कार बनाई है ट्रैक्सस वालों ने, मजा आ गया गाइस मेरे को तो इसको चला के। अब चलाते हैं टोयोटा लैंड क्रूजर को। इसकी सबसे खास चीज है इसकी फुल्ली प्रोपोर्शनल स्टीयरिंग, देख रहे हो मैं रिमोट के अंदर स्टीयरिंग घुमा रहा हूं, तो कार के अंदर भी स्टीयरिंग इस तरीके से पलटने लग रही है। फटाफट से इसको एक बार चलाते हैं। ये कार की कंट्रोलिंग काफी ज्यादा गजब की है। इसको अगर मैं शार्प टर्न भी कराता हूं ना तो कार देखो बिल्कुल भी पलटती वलटती नहीं है। अब मेरे पास आ चुकी है ट्रैक्सस स्लैश, इसको भगा के देखते हैं एक बार फुल स्पीड में। अरे बाप रे, इसको हाई स्पीड में मैं टर्न कराने की कोशिश कर रहा था, ये अचानक से पलट गई थी। ये कार ऑफ रोड में अगर आप ज्यादा स्पीड से चलाते हो तो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं होती है। बाकी ये कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों अब मैं रेस कराने वाला हूँ थार वर्सेस ट्रैक्सस समिट के बीच में। यहाँ पे बहुत सारा मलबा है, मलबे के कारण देखो काफी बड़ी बड़ी क्लाइंबिंग भी यहाँ पे बन चुकी है। देखते हैं गाइस क्या थार समिट को हरा पाएगी या फिर नहीं। रेस की शुरुआत हो चुकी है। थार आपको पता होगा बहुत मस्त तरीके से क्लाइंबिंग कर सकती है हर एक टेरेन में, वैसे ही यहाँ पे भी कर रही है। देखो इस बहुत आराम से यहाँ से निकल चुकी थी, पर सैडली यहाँ पर आकर थार फंस चुकी है। इसी बात का फायदा उठाकर समिट थोड़ी सी बढ़त बना के आगे निकल चुकी है, पर गाइस समिट भी फाइनली आकर यहाँ पर फंस चुकी है। ये मलबे के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके की चीजें यार, मेरे को लगा था कि इसका टायर फट गया है पूरी तरीके से। ओ भाई देखो ये जो जाली है इसके ऊपर पूरी तरीके से लिपट गई थी। एक बार देख लेते हैं यार, ओके ठीक ठाक है इसका टायर, कुछ नहीं हुआ है। समिट बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे चल रही है, पीछे पीछे इसके थार आ रही है। तो मेरे को लगा था गाइस यहाँ पे थार बहुत इजीली जीत जाएगी, पर समिट के व्हील्स काफी चौड़े होने के कारण समिट बहुत ही परफेक्टली चल रही है। अब दोनों ही यहाँ से निकल के बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे एकदम बड़ी बड़ी घास है, थार आगे निकल गई थी, पर समिट का अब तक मैंने सेकंड गियर नहीं डाला है। जैसे ही मैंने सेकंड गियर अप्लाई किया है क्लियरली आप देख सकते हो समिट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये कार बहुत ही तगड़े तरीके से चल रही है, वो भी फुल स्पीड में। क्लियरली यहाँ पे ट्रैक्सस समिट जीत चुकी है ऑफ रोड रेस में। अब देखते हैं क्या ट्रैक्सस समिट को टोयोटा लैंड क्रूजर रेस में हरा पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पे भी टेरेन बहुत ही खतरनाक है, बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं और बहुत बड़े बड़े गड्ढे। अभी तक तो टोयोटा लैंड क्रूजर आगे चल रही थी, अब मैंने जैसे ही सेकंड गियर डाला है वापस से टोयोटा लैंड क्रूजर अचानक से रेस में पिछड़ने लगी है। ट्रैक्सस समिट की स्पीड देखो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि यार ये तो दिखाई भी नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ टोयोटा लैंड क्रूजर के अंदर सिर्फ सिंगल गियर दिया गया है, सेकंड गियर डालते ही ट्रैक्सस समिट एकदम रॉकेट बन जाती है।
अब मैं रोड पे रेस कराने वाला हूँ ट्रैक्सर्स समिट वर्सेस ट्रैक्सर्स स्लैश के बीच में। देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। क्लियरली यहाँ पे ट्रैक्सर्स स्लैश बहुत ज्यादा फास्ट है। इसकी स्पीड तो यार 80 किलोमीटर पर आवर तक जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्सर्स समिट की स्पीड मेरे को 50 किलोमीटर पर आवर के आसपास में लग रही है। क्लियरली सेकंड राउंड में भी ट्रैक्सर्स स्लैश बहुत आराम से जीत चुकी है, क्योंकि गाइस ये एक्चुअल में एक शॉर्ट कोर्स आरसी कार है। ओ भाई देख रहे हो क्या ही खतरनाक स्पीड है यार। अब कराते हैं तो गो फॉर, देखते हैं गाइस ताकतवर दोनों में से कौन सी कार है। ट्रैक्सर्स समिट शुरुआत से ही ट्रैक्सर्स स्लैश के ऊपर भारी पड़ती हुई मेरे को लग रही है। यहाँ पे इतनी ज्यादा डस्ट है कि यार कुछ भी नजर तक नहीं आ रहा है। ट्रैक्सर्स स्लैश ट्रैक्सर्स समिट के ऊपर मिट्टी फेंककर रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, पर ट्रैक्सर्स समिट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि यार देखो इसको काफी आराम से यहाँ तक घसीट के लेके आ चुकी है। ओ माय गॉड गाइस, इन दोनों के बीच में थगो फॉर काफी ज्यादा खतरनाक था। ये कार की हालत देख लो। ओ भाई देखो पूरी की पूरी मिट्टी में नहला चुकी है इसको ट्रैक्सर्स स्लैश। इसके ऊपर देखो ज्यादा मिट्टी नहीं गिरी है। ये कार के ऊपर जो ग्रिप है ना ये बहुत ज्यादा तगड़ी है, इस वजह से मेरे को लग रहा है इसने काफी आसानी से ट्रैक्सर्स स्लैश को आज हरा दिया है। तो गो फॉर में मार मार। तो अब होने वाली है एकदम भयंकर सी फाइट ये दोनों कार्स के बीच में। देखते हैं गाइस क्या थार इसको हरा पाएगी या फिर नहीं। ये लोग इस दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है। ट्रैक्सर्स समिट थार का बोनट तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। ओ माय गॉड देखो थार इसको पूरी तरीके से रोक के रखी है। काम कर दिएगा इस दोनों को रोक के, इसका बोनट मैं बंद करने वाला हूँ अभी। वापस से दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है। फिर से थार ने इसका बोनट तोड़ने की पूरी कोशिश की है। अरे बाप रे गाइस यहाँ पे सीन तो काफी खतरनाक हो चुका है। ये देखो मेरे को लगा था कि भाई थार का बोनट गया काम से, पर थार का बोनट काफी ज्यादा मजबूत है। देखो ठीक ठाक है भाई, बिल्कुल भी टूटा नहीं है ये। तो गाइस इन दोनों के बीच में हो चुका है टाई। अब मैं पुश बैक कराने वाला हूँ ये दो मजबूत आरसी कार्स के बीच में। देखते हैं गाइस क्या टोयोटा लैंड क्रूजर इतनी भयंकर कार को आज पुश बैक में हरा पाएगी या फिर नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक दो तीन और ये लड़ाई चालू हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को सामने से उठा के फेंकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे बाप रे ये देखो गाइस टोयोटा लैंड क्रूजर ने समिट को उठा के पटक दिया है। यहाँ पे तो सीन पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। मेरे को लगा था कि गाइस ये समिट कार जीतेगी, पर भाई ये कार इससे भी ज्यादा पावरफुल है। इसने तो इसको उठा के पटक दिया है। अब देखते हैं क्या ट्रैक्सर्स समिट अपनी हार का बदला ले पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पे शुरुआत से ही ट्रैक्सर्स समिट पूरी पावर लगाकर टोयोटा लैंड क्रूजर को अपनी तरफ खींच रही है। यहाँ पे टोयोटा लैंड क्रूजर ब्रेक्स लगा के इसको रोकने की पूरी कोशिश कर चुकी है, फिर भी ट्रैक्सर्स समिट ने इसको हरा दिया है। इन दोनों के बीच में मैंने एक रस्सी बांध दी है। अब कराते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर। देखते हैं इस बार कौन जीतता है या फिर दोनों के बीच में वापस से टाई होता है। अरे भाई साहब ट्रैक्सर्स समिट की पावर तो देखो यार, अभी अभी इसने लैंड क्रूजर को हराया था, अब थार को हराने में लगी हुई है। बिल्कुल भी यहाँ पे थार को ये चांस नहीं दे रही है खींचने के लिए ना तो रोकने के लिए। वापस से मेरे को लग रहा है ट्रैक्सर्स समिट ही जीतेगी यार। बहुत ही कमाल की कार निकली है तो। ओह माय गॉड गाइस ये कार सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है यार। इसने तो चुटकी बजाते ही हरा दिया है थार को भी टग ऑफ वॉर में। अब कराते हैं इसके साथ ऑफ रोडिंग। ये जो टेरेन है बड़ा ही खतरनाक है यार। यहाँ पे ना तो डिफेंडर चल सकती है ना तो फोर्ड रैप्टर। और एक्समैक्स को भी मैंने चला के देखा था, एक्समैक्स और एक्सआरटी ठीक ठाक तरीके से टेरेन में चल रही थी। तो आज देखते हैं गाइस क्या समिट ये इतने खतरनाक से पत्थरों पे चल पाएगी या फिर नहीं। चलो गाइस शुरू करते हैं। ट्रैक्सर्स समिट का सस्पेंशन सेटअप भी काफी ज्यादा अलग है दूसरे कार्स के मुकाबले में, इस वजह से मेरे को लग रहा है कि ये बड़े बड़े पत्थरों पे भी काफी आराम से चल सकती है। और एक चीज, इसके व्हील्स काफी फ्लफी होने के कारण इसको बड़े बड़े पत्थरों पे भी बहुत आराम से ग्रिप मिल जाती है। यहाँ पे एक्सआरटी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी क्लाइंबिंग करने में, पर ये कार बहुत इजीली क्लाइंबिंग कर रही है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि गाइस ये कार इतनी बड़ी बड़ी पत्थरों पे भी चलेगी। अब देखो सेम जगह पर मैं आपको ट्रैक्सर्स स्लैश चला के बताने वाला हूँ। ये तो एक पत्थर पे भी प्रॉपर तरीके से नहीं चढ़ पा रही है, क्योंकि ये शॉर्ट कोर्स आरसी कार है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम दिया गया है। अब सेम टेस्ट मैं टोयोटा लैंड क्रूजर के साथ भी करके देखने वाला हूँ। देखते हैं गाइस क्या यहाँ से ये चल पाएगी या फिर नहीं। आराम से तो यार ये चढ़ रही है, पर सामने का जो बम्पर है पत्थरों से टकरा रहा है और नीचे की चैसिस भी देखो अभी यहाँ पे रगड़ खाने लगी है। मेरे को नहीं लगता गाइस इससे ज्यादा ये चल पाएगी। तो गाइस ये जो क्लाइंबिंग है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देखो यार यहाँ पे मैं आपको एक बार चढ़ के भी बता देता हूँ, एकदम खड़ी चढ़ाई यहाँ पे होने वाली है। मैं तो इससे ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ। देखते हैं गाइस कौन सी कार इतनी ऊपर तक आज चढ़ेगी।
तो सबसे पहले थार को चढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज से पहले मैंने कभी भी थार को इतनी ऊपर चढ़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है। थार यहाँ पे थोड़ा सा ग्रिप बनाने की कोशिश कर रही है, पर जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा चलाया है ये पलट के वापस आ चुकी है, क्योंकि ये 70 डिग्री का एंगल है गाइस। अब देखते हैं क्या ट्रैक्सेस समिट यहाँ पे चढ़ पाएगी या फिर नहीं, देखते हैं क्या ये डिफेंडर जैसी क्लाइंबिंग कर पाएगी या फिर नहीं। यार सच बता रहा हूँ ये कार काफी ज्यादा गजब की है। देखो सिंगल अटेम्प्ट में ही इतनी ऊपर ये बहुत इजीली चढ़ चुकी है। तो ट्रैक्सेस समिट की एक और गजब की चीज मेरे को लगी, वो है इसकी लाइटिंग। दिखने में लाइट्स काफी ज्यादा छोटी है, पर इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा अमेजिंग है। पीछे भी देखो यार, तीन तीन छह LEDs इसके अंदर दी गई है। नाइट में तो यार ये काफी ज्यादा गजब की लगेगी। तो गाइज आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आज की वीडियो में आपको सबसे ज्यादा परफेक्ट कार कौन सी लगी। चलो अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। पहला नाम है शशि, वंश, अफवान, विनय, यासीन, धवल, देवांश, सुशांत, निपुण, दिव्यांशु। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।